फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं प्रिज्मेटिक कंपास के बारे में। तो अक्सर हम देखते हैं जितने भी कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हो या वो सेंट्रल गवर्नमेंट को, हमें प्रिज्मेटिक कंपास से रिलेटेड या सर्वेयर कंपास से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। तो आज हम प्रिज्मेटिक कंपास का मैंने एक टॉप व्यू बना रखा है, ये मैंने फ्रंट व्यू बना रखा है और मेरे पास ये प्रिज्मेटिक कंपास उपलब्ध भी है। तो आपको प्रैक्टिकली भी मैं ज़्यादा अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो आपको बिना स्किप करे इस लेक्चर को पूरा कंटिन्यू देखना है। आपको एक एक पॉइंट्स के बारे में बिल्कुल मैं इसको क्लियर कर दूंगा। तो देखें, यहाँ पर प्रिज्मेटिक कंपास का जब हम टॉप व्यू देखते हैं तो हमें दिखाई दे रहा है इसकी एक मैग्नेटिक निडल। तो मैग्नेटिक निडल आप इस तरीके से इसमें देख सकते हैं, जो मैग्नेटिक निडल है वो हमें दिखाई दे रही है। आप एक वाइट चक्री टाइप देख रहे हैं इसके अंदर, ये हमारी एक मैग्नेटिक निडल और इसके साथ में जुड़ी हुई एक ग्रेजुएटेड हमारा सर्किल है। तो मैग्नेटिक निडल और ग्रेजुएटेड सर्किल हमारे क्या होते हैं, इस प्रिज्मेटिक कंपास में कंबाइंड रहते हैं, यानी एक साथ जुड़े हुए रहते हैं। दूसरा, इसके अंदर खास बात क्या है कि प्रिज्मेटिक कंपास की जो निडल है उसका ये वाला एंड जो है वो साउथ है। आप इस तरीके से देख सकते हैं, मैंने यहां पर देखें इस तरीके से मैंने इसको दिखाया, यहाँ पर एक एक गोल सर्किल है, इसके अंदर एक गोल सर्किल है, ये व्हाइट कलर का आपको सर्किल दिखाई दे रहा होगा। इस गोल सर्किल में और बीच में ये हमारी जो निडल है ये इसके अंदर जुड़ी हुई है, यानी कि इस गोल सर्किल को हम कहते हैं ग्रेजुएटेड सर्किल, यानी अंशांकित चक्री हिंदी में कहते हैं इसे। और इस निडल को जो बीच में लगी हुई है, इस पट्टी आप फ्लैट प्लेट देख रहे हैं इसके अंदर एक, तो वो जो पट्टी है वो हमारी क्या है, मैग्नेटिक निडल है। तो मैग्नेटिक निडल और हमारा ग्रेजुएट सर्किल दोनों कैसे होते हैं, इसके अंदर कंबाइंड होते हैं। और साथ के साथ अब ये भी याद रखना है कि इसके अंदर जो नंबर्स गुदे हुए रहते हैं, जो एंगल हम पढ़ते हैं वो कैसे होते हैं, इन्वर्टेड होते हैं, यानी उल्टे होते हैं। यानी देखिए, यहाँ पर जीरो लिखा है, 360 में अगर सीधा लिखता तो इस तरीके से होता, लेकिन ऐसे नहीं लिखा होता, यहाँ पर 3 और 6 ऐसे उल्टे लिखे हुए होते हैं इस पर। यानी कि जो नंबरिंग होती है इसके ऊपर, जो ग्रेजुएशन दिया जाता है, जो अंशांकन हम करते हैं वो कैसा होता है हमारा, एक तो उल्टा होता है और किस दिशा में होता है, देखो 0 यहाँ है, 90 यहाँ है, 180 डिग्री यहाँ है, 270 डिग्री, देखो उल्टे लिखे हुए। आपको देखने का प्रयास करना है कि उल्टे लिख रखे हैं मैंने, क्योंकि ये उल्टे ही गुदे हुए रहते हैं। तो इसका हम मतलब ये हुआ कि जो ग्रेजुएशन, जो हमारा मैग्नेटिक निडल और ग्रेजुएट सर्किल पर जो ग्रेजुएशन किया जाता है वो कैसे होता है, एक तो हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और साथ के साथ इन्वर्टेड, यानी उल्टे भी गुदे हुए रहते हैं। चलिए, तो मैग्नेटिक निडल हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, हम मैग्नेटिक निडल हमारा इससे कनेक्ट है। दूसरा, नॉर्थ सिरे पर हमेशा 180 डिग्री और जबकि साउथ सिरे पर 0 डिग्री या 360 डिग्री गुदा हुआ रहता है, उसका कारण क्या है, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं कि आखिर कारण क्या है। हमें नॉर्थ सिरे पर 0 रखना चाहिए था, साउथ पर 180 डिग्री रखना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसमें हम साउथ सिरे पर 0 डिग्री और 360 डिग्री इस पर होता है और साउथ नॉर्थ सिरे पर हमारा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। आगे देखें, साउथ एंड पर ही, जहां एंड साउथ एंड है वो साउथ एंड पर ही हम क्या रखते हैं, प्रिज्मेटिक कंपास। यानी इसका मतलब ये है कि इसका जब मैं प्रोजेक्शन लेके नीचे आया तो मुझे एलिवेशन बनाया, मैंने इसका फ्रंट व्यू बनाया, तो यहाँ पर इसका जब प्रोजेक्शन लेके आए तो यहाँ पर साउथ एंड पर, यानी जो एंड हमारा साउथ है उस पर हम क्या लगा रखा है, प्रिज्म लगा रखा है। तो हमने क्या क्या समझा आपका, कि हमारी जो मैग्नेटिक निडल है और जो ग्रेजुएट सर्किल है ये हमारा ये है। अब आप देखिए, बिल्कुल इसी तरीके से आपको जो सामने से दिखाई दे रहा है वो डायग्राम आपको अब दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल इसी तरीके का। देखें, एक करके एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला ये मिरर, मिरर हमारा ये लगा हुआ है इस पार्ट में, ये मिरर लगा हुआ है, ये क्या काम करता है, जब हम इधर से देख रहे होंगे तो कोई भी टारगेट हो सकता है हमें, हम यहाँ से देखें और लाइन ऑफ साइट हमारी इस तरीके से सीधे निकल जाए, लेकिन जो टारगेट है हो सकता है उस लाइन ऑफ साइट से नीचे पड़ रहा हो, यानी हम जहाँ देख रहे हैं उसे थोड़ा नीचे पड़ रहा हो, या सपोज करो हम इतनी ऊंचाई पर कोई चीज़ देख रहे हैं तो हमें लाइन ऑफ साइट हमारी मिनिमम यहाँ तक हमें दिखाई देगी कोई भी डिस्टेंस, लेकिन कोई चीज़ ग्राउंड पर रखी हुई है नीची है या फिर ऊंची है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, इस मिरर का यूज करते हैं। तो मिरर का यूज क्या है, जो हमारी लाइन ऑफ साइट से नीचे या ऊंचे बिंदु जो पड़ते हैं उनको देखने के लिए हम इस मिरर का यूज करते हैं। दूसरा हमारा है ये ऑब्जेक्ट वैन है, ऑब्जेक्ट वैन में से क्या करते हैं, जिस ऑब्जेक्ट को हम टारगेट कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को हम देख पाते हैं इस वैन में से, जो कि आपको ये पूरी वैन जो दिखाई दे रही है वो क्या है, हमारी ऑब्जेक्ट वैन है। इस ऑब्जेक्ट वैन में टारगेट को एग्जैक्ट बाइसेक्ट करने की, यानी जो रेंजिंग रॉड है, सपोज करो ये रेंजिंग रॉड है, अब इस रेंजिंग रॉड को सामने रखेंगे तो हमें इसको एग्जैक्ट बाइसेक्ट करने के लिए इस रॉड के हॉर्स हेयर जो लगा रहता है उसमें से हमें एग्जैक्ट बाइसेक्ट करना होता है। यानी एग्जैक्ट हॉर्स हेयर क्यों लगाते हैं, प्रिज्मेटिक कंपास में जब हम सर्वे कर रहे होते हैं तो टारगेट को एग्जैक्ट बाइसेक्ट करने के लिए हॉर्स हेयर लगाते हैं। ये हमारे पूरा सिस्टम जो हो गया वो क्या है,
ऑब्जेक्ट वैन कहलाता है। चलिए ऑब्जेक्ट वैन के बाद हमारा आता है आई वैन। आई वैन क्या है, देखिए इस सिरे पर जो हमें दिखाई दे रहा है एक ये हमारा प्रिज्म है। ये प्रिज्म हमारा जो लगा हुआ है, प्रिज्म का क्या काम है, जो रीडिंग मैंने बताया था ऊपर उल्टी गुदी हुई होती है उनको सीधा करना, पहला वर्क इसका। दूसरा, रीडिंग बहुत ही छोटी छोटी होती है इस पर, तो उस रीडिंग को हमें बड़ा करके दिखाना इसका वर्क है। तो प्रिज्म का वर्क क्या है, एक तो रीडिंग को बड़ा करके दिखाना, और रीडिंग को बड़ा करने के साथ साथ उस रीडिंग को हमें जो उल्टी है उस रीडिंग को सीधा करके भी दिखाता है, वो हमारा है प्रिज्मेटिक का। ये प्रिज्म लगा हुआ रहता है किस सिरे पर, साउथ एंड पर प्रिज्म लगा हुआ होगा, यानी हमारा ये साउथ एंड है तो यहाँ पर प्रिज्म लगा हुआ होगा। आगे देखिए, इस प्रिज्म को हम एडजस्ट भी कर सकते हैं। आप देखें, मैं इस प्रिज्म को नीचे भी ले जा सकता हूं और इसको ऊपर भी खींच सकते हैं, यानी कि इसको कितना भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं हम। जैसे कि हम रीडिंग पढ़ते हैं तो हो सकता है रीडिंग पढ़ने में प्रॉब्लम आए, तो रीडिंग जब पढ़ने में प्रॉब्लम आती है तो हम क्या करते हैं, एक बार प्रिज्म को फोकस कर लेते हैं, प्रिज्म की एडजस्टिंग हम कर लेते हैं इस तरीके से, तो इसे कहते हैं फोकसिंग ऑफ प्रिज्म। तो प्रिज्म की हम फोकसिंग करेंगे, तो इस प्रिज्म की फोकसिंग करने के लिए बीच में ये जो निकल रहा है पार्ट और जो हमारा ये पूरी एक वर्टिकल कॉलम टाइप का जो लग रहा है इसमें, वो हमारा क्या कहलाता है, एडजस्टर कहते हैं इसे। तो ये हमारा एडजस्टर है, ये आई वैन, और आई वैन में हमारा क्या लगा हुआ है, प्रिज्म लगा हुआ है। तो ये प्रिज्म का क्या काम है, प्रिज्म का वर्क है कि जो साउथ एंड पर जो प्रिज्म लगा हुआ होता है उसके वो रीडिंग को एक तो बड़ा करके दिखाएगा और जो उल्टी रीडिंग दी हुई है उसको सीधा करके भी दिखाएगा। साथ के साथ देखें यहाँ पर कुछ मिरर लगे हुए हैं, यहाँ पर ये जो हमारा प्रिज्म है इस प्रिज्म के साथ में मिरर लगे हुए हैं दो। तो इस मिरर का यूज क्या है, जैसे सपोज करो हम किसी लाइटिंग ऑब्जेक्ट की सर्वे कर रहे हैं, यानी कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हमें दे दिया गया कि इसके आप सर्वे करिए और वो कैसा चमकने वाला है, हम अपनी आंखों से उस चमकदार चीज को नहीं देख पाते, तब उसका जो चमक है उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इन मिरर्स का यूज करते हैं। तो इन मिरर का यूज होगा ग्लास फॉर लाइटिंग ऑब्जेक्ट, जो लाइटिंग ऑब्जेक्ट होंगे उनको रिड्यूस करने के लिए, उनकी लाइटिंग चमक रिड्यूस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रिज्मेटिक कंपास में ये ग्लास यूज कर लेते हैं। तो देखिए हमारा क्या क्या हो गया, अब इसमें आई वैन हो गया, ऑब्जेक्ट वैन के हमने पार्ट के बारे में बात कर ली। अब चलते हैं इस बॉक्स के अंदर, देखिए पूरा एक बॉक्स है हमारा, एक सर्कुलर बॉक्स है, आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा एक सर्कुलर बॉक्स होता है, ये आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा एक सर्कुलर बॉक्स है ये। तो इस बॉक्स के अंदर हमारी मैग्नेटिक ड्रिल तो होती है, साथ के साथ हम क्या देखते हैं कि मैग्नेटिक ड्रिल हमारी लगातार आप देख रहे हैं घूम रही है, मैग्नेटिक ड्रिल इस तरह से रोटेट हो रही है ये। तो हमारी जो मैग्नेटिक ड्रिल कुछ ऊंचाई पर, यानी इसके तली पर जो इसका बॉटम पॉइंट है, बॉटम पॉइंट पर नहीं रखी है मैग्नेटिक ड्रिल, कुछ ऊंचाई पर रहती है। तो मैग्नेटिक ड्रिल को तली से कुछ ऊंचाई पर लाने का काम कौन करता है, पिवट, इसे हिंदी में कहते हैं कीलक, यानी इसके अंदर कील टाइप लगी रहती है, वो क्या करती है मैग्नेटिक ड्रिल को एक निश्चित हाइट पर बनाते हुए रखती है, और उस मैग्नेटिक निडल जब मैग्नेटिक निडल को पिवट उसको ऊंचाई पर बनाए रखता है, तो मैग्नेट लगातार हमारे इस कीलक पॉइंट पर, इस कीलक पॉइंट पर मैग्नेट हमारी क्या होती है, लगातार ये घूमती रहेगी जैसे हम वर्क करते रहेंगे। तो इसके अंदर प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ पर एक उच्च अपघर्षण आगे लगातार हम करें तो मैग्नेटिक हमारी घिस जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एगेट कैप, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एगेट कैप किस इंस्ट्रूमेंट में लगाया जाता है, तो हमारा आंसर होगा कंपास में एगेट कैप का यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए कीलक पर लगातार घूमती रहेगी तो यहाँ पर जो बनने वाली बियरिंग है उसे हम कहते हैं ज्वेल बियरिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपटीशन में बहुत पूछे जाते हैं ऐसे पॉइंट हमारे कि मैग्नेटिक निडल कि एगेट कैप और पिवट के बीच में बनने वाली बियरिंग को हम क्या कहते हैं, ज्वेल बियरिंग कहते हैं। यानी कि बियरिंग का मतलब है कि इस पॉइंट पर हमारी पिवट ऐसे लगा हुआ है और उस पिवट के पिवट ऐसे मैग्नेटिक इस तरह से, तो एक पॉइंट पर ऐसे लगातार हमारी मैग्नेटिक घूमती रहेगी। तो ये हमारी मैग्नेटिक इस तरह से घूमती रहेगी तो इसका मैग्नेटिज्म उच्च अपघर्षण सामर्थ्य वाला पदार्थ लगाया जाता है ताकि ये जल्दी से घिस ना जाए। तो एगेट कैप में क्या लगा हुआ है, उच्च अपघर्षण सामर्थ्य वाला पदार्थ लगा हुआ है और उन दोनों के बीच बनने वाली बियरिंग को हम ज्वेल बियरिंग कहते हैं और इस पार्ट को हम कहते हैं एगेट कैप। तो अब ये हमारी पूरी क्या है, आप समझ गए, ऊपर वाला जो पार्ट है वो उसका हम फ्रंट व्यू जब देख रहे हैं तो यही हमारी क्या है, पूरी ब्लैक पट्टी में दिखाई दे रही है, ये मैग्नेटिक निडल है। चलिए मैग्नेटिक निडल के साथ साथ हम देखेंगे कि इसमें आगे एक पार्ट लगा हुआ है जिसको मैंने लिखा हुआ है स्प्रिंग ब्रेक। तो स्प्रिंग ब्रेक क्या काम करता है, स्प्रिंग ब्रेक हमारा क्या काम करता है, जब हम प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि अक्सर हमारी जो मैग्नेटिक निडल है वो मैग्नेटिक हमारी कप कपाती रहती है या हिलती डुलती रहती है, यानी उसकी हलचल बहुत ज़्यादा होती है। तो उसकी हलचल को कम करने के लिए उसको इस तरीके से हम ऐसे देखेंगे तो ये इस तरीके से, इस तरह से आप देख रहे हैं हमारी मैग्नेट लगातार घूम रही है। अब मैंने अगर स्प्रिंग ब्रेक लगा दिया तो स्प्रिंग ब्रेक लगाने पर क्या होगा, आप देख सकते, अभी दिखाते हैं, देखो
स्प्रिंग ब्रेक अगर मैंने लगा दिया तो उस केस में अब ये हमारी नहीं कपकपाएगी या नहीं मूव करेगी, क्योंकि मैंने स्प्रिंग ब्रेक से इसको पकड़ दिया है। तो स्प्रिंग ब्रेक या ब्रेक पिन हमारा क्या काम करते हैं, मैग्नेटिक निडल को रोकने का काम करते हैं। तो आप एक बार इंस्ट्रूमेंट लेना अपने हाथ में और जो जो पार्ट्स मैंने बताए हैं उन पार्ट्स पर आप एक बार अमल करेंगे तो आपको समझ में आएगा हाँ ये पूरी बात बिल्कुल सही है। अच्छा आगे देखें, नीचे एक और हमारा यहाँ पर पार्ट है जिसे हम कहते हैं लिफ्टिंग पिन, जिसे क्या कहते हैं लिफ्टिंग पिन कहते हैं ये। तो लिफ्टिंग पिन क्या काम करती है, तो उसके लिए समझना ये है कि लिफ्टिंग जब हम प्रिज्मेटिक कंपास का यूज़ नहीं करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि मैग्नेटिक निडल अगर लगातार काम करती रहेगी तो इसका मैग्नेटिज्म जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। तो मैग्नेटिज्म रिड्यूस ना हो उसके लिए क्या करते हैं हम, उसके लिए जो हमारी लिफ्टिंग पिन है इस ऑब्जेक्ट वन को, यानी इस ऑब्जेक्ट वन को जैसे ही आप डाउन करेंगे, जैसे हम डाउन करेंगे वैसे क्या होगा मैग्नेटिक, जैसे इसको डाउन करेंगे तो इसका और इसका कुछ इस प्रकार का कनेक्शन है, जब ये पूरी तरह से ओपन रहेगी तभी डाउन रहेगी, जैसे ही डाउन करेंगे ये अप हो जाएगी। तो जैसे अप होगी ये क्या करेगी, मैग्नेटिक निडल को उठा के कहाँ चिपका देती है, इस ग्लास पर चिपका देती है। हमारे इस कंपास में मैग्नेटिक निडल का लिफ्टिंग पिन का सिस्टम खराब हो रहा है तो इसलिए इसमें मैं दिखा नहीं सकता आपको। चलिए तो ये हमारा लिफ्टिंग पिन हो गया, पिवोट हो गया, ज्वेल बियरिंग हो गई, एगेट कैप हो गया, मैग्नेट निडल हो गया, प्रिज्मेटिक प्रिज्म हो गया, आई वैन हो गया, एडजस्टर हो गया, ऑब्जेक्ट वैन, मिरर, हॉर्स हेयर, इन सब के बारे में मैंने आपको कुछ ना कुछ बता दिया। दूसरा ऊपर से कांच का ग्लास लगा रहा था जिसकी आपको ये ब्लैक लाइन जो दिखाई दे रही कांच के ग्लास की है। तो अब और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं उसके लिए, जो जो मैंने बोला है हालांकि सारे ही वही लिखे हुए हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट, कोई छूट तो नहीं रहा। इसमें मैग्नेटिक निडल बॉक्स से जुड़ी हुई नहीं रहती है। अच्छा देखिए बॉक्स कहाँ है हमारा, ये वाला बॉक्स है, तो मैग्नेटिक भी हमारा बॉक्स है और मैग्नेटिक निडल कहाँ है, बॉक्स से अलग है। आप इसमें भी देख सकते हैं कि मैग्नेटिक निडल हमारी अलग है, देखो इस तरह से मैग्नेटिक हमारी पूरी अलग है, मैं बॉक्स को जैसे ऐसे घुमा रहा हूँ, बॉक्स को जैसे ऐसे घुमा रहा हूँ मैग्नेटिक अलग ही चल रही है, इस तरह से देखो इस तरह से अलग ही घूम रही है, तो इस तरह अलग ही हिल रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक निडल जो है वो बॉक्स से स्वतंत्र रहती है, यानी अगर इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बॉक्स को घुमाता हूँ तो मैग्नेटिक निडल पर और ग्रेजुएट सर्किल पर कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। चलिए तो इसमें मैग्नेटिक निडल बॉक्स से जुड़ी हुई नहीं रहती है, बिल्कुल सही बात है, मैग्नेट हमारी अलग है बॉक्स अलग है। नेक्स्ट पॉइंट है मैग्नेटिक निडल ग्रेजुएट सर्किल से जुड़ी हुई होती है, जी हाँ बिल्कुल सही बात है। देखिए ये हमारा ग्रेजुएट सर्किल है और ये पट्टी हमारी वाइट मैग्नेटिक निडल है, तो ये आप देख रहे हैं ग्रेजुएट सर्किल है और ये हमारी पट्टी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगला है बॉक्स के रोटेट होने पर, यानी बॉक्स को अगर घुमा दिया जाए तो मैग्नेटिक निडल पर कोई नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। उसका कारण क्या है, क्योंकि मैग्नेटिक निडल बॉक्स से अलग है, अगर हम बॉक्स को घुमाएंगे तो उसका मैग्नेटिक निडल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, वो नहीं घूमेगी क्योंकि मैग्नेटिक निडल अलग है और बॉक्स अलग है। आगे मैग्नेटिक निडल पर ग्रेजुएशन क्लॉकवाइज और इनवर्ट डायरेक्शन होता है, यानी ये कह रहे हैं कि मैग्नेटिक निडल पर जो ग्रेजुएशन हम कर रहे हैं उल्टा और क्लॉकवाइज दिशा में बढ़ता हुआ रहता है, जिसमें नॉर्थ पर 180 और साउथ पर 0-360 डिग्री होता है। जी हाँ बिल्कुल हमने इसको पढ़ लिया है, पॉइंट क्लियर है। प्रिज्म साउथ एंड पर लगाया जाता है, बिल्कुल सही बात है, साउथ एंड पर हमारा प्रिज्म लगा हुआ है। आगे प्रिज्म रीडिंग को बड़ा करके और सीधा करके दिखाता है, बिल्कुल प्रिज्म का क्या काम है, प्रिज्म का काम है कि रीडिंग को बड़ा करना यानी मैग्नीफाई करना एंड उसको इन्वर्टेड से हमें सीधा करके दिखाना, जो उल्टी रीडिंग है उनको सीधा करके भी दिखाता है। अगला है कि यह बियरिंग को होल सर्किल में पढ़ता, होल सर्किल बियरिंग में, देखिए इसके लिए मैंने पूरा एक अलग लेक्चर बनाया हुआ है कि व्हाट इज होल सर्किल बियरिंग क्या है और क्या आप समझ सकते हैं, लेकिन इन शॉर्ट यहां पर समझिए कि जब भी हम बियरिंग, हर लाइन की बियरिंग सपोज कीजिए एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है और यहां पर कोई लाइन ए बी है, इस तरीके से ये हमारा कोई पॉइंट बी है, ए बी लाइन की बियरिंग पढ़ रहे हैं हम, ये सपोज करो 30 डिग्री हमने इस कंपास से पढ़ी है तो ये हमारी हो गई होल सर्किल बियरिंग। सपोज करो एक और लाइन है यहां पर बी सी, ये कोई एक और लाइन है बी सी और यहाँ पर हमारा नॉर्थ पॉइंट ही है, साउथ पॉइंट ही है, तो इसका हम जो रीडिंग पढ़ेंगे ये, यानी कि हर बार जब रीडिंग को नॉर्थ साइड नॉर्थ डायरेक्शन से क्लॉकवाइज दिशा में पढ़ा जाता है जब तक कि सर्वे लाइन ना आ जाए, यानी नॉर्थ से हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब तक सर्वे लाइन ना आ जाए जो रीडिंग हम पढ़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं होल सर्किल बियरिंग्स। चलिए बाकी ज़्यादा डिटेल के लिए आप मेरा अलग से जो लेक्चर है वो देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा पूरी तरह से होल सर्किल बियरिंग क्या है।
इसमें टारगेट बाय सेटिंग और रीडिंग को एक साथ पढ़ सकते हैं। बिल्कुल, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कही गई है। इसने बोला है कि आप प्रिज्म कंपास पर सर्वे कर रहे हैं और सामने कोई टारगेट रखा हुआ है, तो आप इस तरह से देख सकते हैं टारगेट को मैं बाइसेक्ट भी कर सकता हूँ और साथ के साथ रीडिंग भी इसी प्रिज्म में से पढ़ सकता हूँ। यानी कि ऊपर प्रिज्म के ऊपर थोड़ा सा एक स्लॉट कटा हुआ, उसमें से तो मैं इस टारगेट को बाइसेक्ट कर लूंगा और तुरंत प्रिज्म में से रीडिंग भी पढ़ सकता हूँ। मैं दोनों काम एक साथ कर सकता हूँ। मैंने पॉइंट यहाँ पर क्यों मेंशन किया, उसका कारण ये है कि सर्वेयर कंपास में हम पहले टारगेट बाइसेक्ट करते हैं और फिर अलग से इस तरह से हम रीडिंग को पढ़ते हैं। अगला हमारा है, इसमें लीस्ट काउंट 30 मिनट होता है। देखिए अब मैं इतना ज़्यादा जूम इसमें नहीं कर पाऊँगा कैमरे से। इस पर जो आप प्रिज्मेटिक कंपास में कहीं भी देखेंगे, आपके कॉलेज वगैरह में उपलब्ध होगा प्रिज्मेटिक कंपास में, आप देखेंगे कि मैंने अक्सर दिखाया है, कई जगह देखने को मिलता है कि 15 सेकेंड, लेकिन इसका जो लीस्ट काउंट है 30 मिनट ही होता है प्रिज्मेटिक कंपास का, तो ये आपको याद रखना है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। प्रैक्टिकली भी मैंने आपको बताने की कोशिश की जितना आपको बता सकता था। तो जितने भी स्टूडेंट्स हमारे लेक्चर देख रहे हैं, उस अभी अपने जितने फ्रेंड्स हैं उनसे यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर को शेयर करें, कमेंट करें और इसको लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को, और आगे इससे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं इस चैनल को जितना भी आप पढ़ा सकते, ताकि हमें कुछ बेनिफिट हो और आपके लिए बेनिफिट के लिए हम तो वर्क हमेशा करते ही हैं। थैंक यू स्टूडेंट।